दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में YouTube चलाते हैं, YouTube पर वीडियो या मूवी देखते हैं, तो अपने YouTube की ये पांच टिप्स एंड ट्रिक जरूर आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कि आज के समय में YouTube सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कोई भी चीज़ लोगों को देखना हो, सीखना हो, तो हर कोई YouTube पर तुरंत वीडियो को देख लेता है, या कोई मूवी देखते हैं, कोई शॉर्ट्स देखते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इस YouTube के अंदर में कुछ ऐसी ऐसी हिडन सेटिंग है जो हम सभी के लिए बहुत ही काम की सेटिंग है, जिसे हमें पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को YouTube की पांच ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, या आपके घर में बच्चे हैं और YouTube पर वीडियो देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि YouTube पर वीडियो देखते देखते अचानक से 18 प्लस वीडियो भी YouTube पर दिखाई देने लगता है, यानी थोड़ी बहुत गंदी टाइप की वीडियो दिखने लगती है। वैसे में अगर आप चाहते हो कि जब भी हमारे बच्चे के हाथ में फोन हो तो उस टाइप की वीडियो YouTube उसे ना दिखाए, तो आप अपने फोन में सेटिंग कर सकते हो। और पांच सेटिंग और बता रहा हूं, वो भी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहो। इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को YouTube की यही पांच टिप्स एंड ट्रिक सेटिंग बताने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं YouTube की सबसे पहली सेटिंग। पहली सेटिंग क्या है, देखिए, YouTube को हम ओपन करते हैं। YouTube को जब हम ओपन करते हैं तो YouTube कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जब YouTube पर हम इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस टाइप की वीडियो हमें शो होती है जो 18 प्लस होती है, यानी कि बड़े लोगों को देखने के लिए होती है, बच्चों के लिए यह वीडियो नहीं होती है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसको फ़ोन दिए हुए हो और इस तरीके से आपका बच्चा स्क्रॉल कर रहा है और वह वीडियो उसके सामने अगर आती है, बच्चे के लिए बहुत ही गलत होगा। तो इसके लिए दोस्तों YouTube ने एक ऐसी सेटिंग निकाली हुई है जिसे यदि आज आप अपने फोन में अगर कर लेते हैं, तो दोस्तों आप अपने बच्चे को फोन अगर दे देते हैं और आपका बच्चा कितना भी स्क्रॉल क्यों ना कर ले, तो 18 प्लस वीडियो आपके बच्चे के पास सो यूट्यूब करेगा ही नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो में हम बताते हैं पहली सेटिंग। पहली सेटिंग के लिए दोस्तों आप देखोगे कि YouTube पर जब आओगे तो यहाँ कॉर्नर में एक लोगो दिखता है, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस सेटिंग पर क्लिक कर ऊपर में जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे जनरल सेटिंग पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिस्ट्रिक्टेड मोड का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पर ये जो बटन है ना, इस बटन को अगर आप ऑन कर देते हैं, उसके बाद में अगर आप यूट्यूब पर कितना भी सर्च कर ले, आपको 18 प्लस वीडियो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यह सेटिंग आप तब कर सकते हैं जब आप अपने फोन अपने बच्चे को देते हैं तो इस बटन को ऑन कर दे, जब आप अगर इस YouTube को चलाते हैं तो उस बटन को ऑफ कर सकते हैं। तो YouTube की यह पहले सेटिंग जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग। देखिए दोस्तों, दूसरी सेटिंग क्या है, ध्यान से समझिए। दूसरी सेटिंग यही है कि बहुत से लोग करते क्या है कि YouTube पर इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं, कोई भी उनको मूवी या कोई भी उनको सॉन्ग अगर पसंद पड़ जाता है तो सोचते हैं कि यार ये मूवी अच्छी है, इसको क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। वह यूट्यूब पर उस मूवी को डाउनलोड पर लगा देते हैं, ठीक ना। जैसे वो डाउनलोड पर लगा देते हैं तो होता क्या है कि उनके फ़ोन में जितना भी डेटा होता है वह सारा डेटा ख़त्म हो जाता है और उनका डेटा एकदम नहीं बचता है, क्योंकि YouTube पर जो वीडियो होती है हाई क्वालिटी की वीडियो होती है, वह क्या करते हैं कि डाउनलोड पे लगाते हैं और उनका इंटरनेट ही खत्म हो जाता है। वैसे में आप अपने फोन के अंदर में एक सेटिंग कर लेंगे ना, तो आप अपने फोन में कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं ना, तो आपका जो इंटरनेट है बचा रहेगा, क्योंकि YouTube ने खुद इस सेटिंग को लॉन्च किया है। तो उस सेटिंग को हमें कैसे करना है आज की इस वीडियो में बताते हैं। उसके लिए भी आपको इस जो लोगो दिख रहा है, इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सेटिंग है, इस सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे पांचवें नंबर पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड्स पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डाउनलोड क्वालिटी का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर में यह फुल HD पर सेट होगा तो आपका फ़ोन में अगर कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करोगे तो फुल HD में वो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा और आपका इंटरनेट बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो सेट करना है वह यहाँ मीडियम पर सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर मीडियम पर सेट कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड पर भी लगाते हो
YouTube के अंदर, तो वह आपका मीडियम में डाउनलोड होगा और आपका इंटरनेट बचा रहेगा। तो यह सेटिंग भी आपको कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं YouTube की तीसरी सेटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। देखिए दोस्तों, YouTube पर जब हम किसी भी कैटेगरी का कोई भी वीडियो को हम प्ले करते हैं, तो उस वीडियो को तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद भी उससे मिलता जुलता वीडियो जो है YouTube हमको सजेस्टेड में देता रहता है। जैसे कि मान लो कि आप YouTube पे कुछ इस टाइप की वीडियो देखे हो जो आपके सिवा किसी और को देखने लायक नहीं था, तो YouTube क्या करेगा कि उस टाइप की वीडियो आपको 2 से 4 दिन तक आपके होम स्क्रीन में दिखाता रहेगा, उसी टाइप की वीडियो दिखाता रहेगा। और आप चाहते हो कि हम YouTube पर कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी वीडियो अगर देखते हैं, तो वह वीडियो सिर्फ हम ही देखें और कोई हमारा फ़ोन ले ले तो उस वीडियो को ना देख पाए, वैसे में YouTube के अंदर एक सेटिंग है, उस सेटिंग को कर आप YouTube पर किसी भी टाइप का वीडियो देखोगे तो सजेस्टेड में उस टाइप की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेटिंग क्या है ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर जो लोगो है ना, इस लोगो पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ है टर्न ऑन इनकॉग्निटो। ठीक है, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आके टर्न ऑन कर देना है। अब जैसे ही टर्न ऑन करोगे, अब यहाँ पर सर्च कर आप कोई भी वीडियो को देखोगे। देखिए यहाँ पे सर्च कर जब कोई भी वीडियो देखोगे तो आप यहाँ से अपने वीडियो को देख सकते हैं। और जब आपने वीडियो को देख लिया तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है, इस तरीके से टर्न ऑफ कर देना है। अब जैसे टर्न ऑफ कर दोगे तो यह फिर से आपके जीमेल पे लॉगिन हो जाएगा और वह वीडियो जो अभी आपने देखा था वह वीडियो आपको यहां पर होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। तो YouTube की यह तीसरी सेटिंग आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं YouTube की चौथी सेटिंग। YouTube की चौथी सेटिंग क्या है, जैसे कि देखिए आप मान लीजिए YouTube पर कोई वीडियो को प्ले करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, YouTube को मान लीजिए हम इस वीडियो को प्ले कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों वो YouTube की मैंने इस वीडियो को प्ले कर दिया, अब हमको ये इतना बड़ा स्क्रीन करना है, इसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉर्नर में, तो ही जाकर यह बड़ा स्क्रीन होगा, लेकिन यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक उंगली से इस तरीके से ऊपर की ओर आप क्लिक कीजिए, इसका जो है स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। और इसे छोटा करने के लिए इस तरीके से स्क्रॉल कीजिए नीचे की ओर, स्क्रीन छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बटन है ना, इस बटन पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर की ओर कीजिएगा तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, और बड़े स्क्रीन पर एक बार उंगली नीचे कीजिएगा तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा। तो यह YouTube की चौथी सेटिंग है, अगर आप नहीं जानते थे तो YouTube की इस वीडियो से आप सीख गए होंगे। अब बात कर लेते हैं YouTube की पांचवी सेटिंग, जो आप लोगों को अपने फोन के अंदर में करना चाहिए। पांचवा सेटिंग यही है दोस्तों कि जब आप YouTube पर कुछ इस प्रकार से मान लीजिए अपने वीडियो को स्क्रॉल करते हो, तो होता क्या है कि यहां पर ऑटोमेटिक वीडियो प्ले हो जाती है। आप अच्छे से थंबनेल को भी पढ़ा ही नहीं और वीडियो प्ले हो गया, जैसे यहां एक वीडियो है, हम इस तरीके से स्क्रॉल किए, अब देखिए फटाक से ये वीडियो स्टार्ट हो गया। इससे हमारा जो इंटरनेट है वो भी जल्दी समाप्त होता है और आप स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हो। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यूट्यूब के अंदर में एक सेटिंग है, उस सेटिंग को करना होगा। सेटिंग के लिए आपको इस लोगो पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहां जनरल का ऑप्शन है, जनरल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है प्ले बैक इन फीड्स, इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो यह पहले से ऑलवेज ऑन पे होगा, तो आपको डायरेक्टली इसको ऑफ कर देना है। जब इसको आप ऑफ करोगे, अब देखो हम यहां पर आते हैं, तो कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक अब प्ले नहीं होगा। देखिए अब यहां पर कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और आपका जो इंटरनेट है वो भी अंदर ही अंदर समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को YouTube की यही 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बता रहे थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो, इस तरीके की वीडियो सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।